नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही एक अलग सब्जी। गुजरात में उगती है सूरती पापड़ी, जो सर्दियों के मौसम में मिलती है, जो बिल्कुल छोटी होती है इस तरह से, और स्वाद इनका बहुत ही अच्छा होता है। आज हम इसी की सब्जी बनाने जा रहे हैं, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है 500 ग्राम जितनी सूरती पापड़ी, जिसके दोनों किनारे जो होते हैं, ये दोनों यहाँ से इसको खींच के उसके जो बारीक रेशे होते हैं वो निकाल लिए हैं, और इसको मैंने धो लिया है अच्छी तरह से पानी से। सबसे पहले मैंने रखा है एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी या तेल, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो गर्म करने रखिए, लेकिन रखिएगा थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में, क्योंकि ये बनेगा बिना पानी के। इसमें डालेंगे हम सबसे पहले जीरा। जैसे ही जीरा चटक जाता है, हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच हींग, और उसके साथ ही हमने ये जो पापड़ी ले रखी है वो भी सारी इसमें डाल देंगे। पापड़ी को डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच हल्दी और स्वाद के हिसाब से नमक। अच्छे से कर देंगे मिक्स, और 5 मिनट के लिए इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब दोस्तों, हमने लिया है एक मिक्सी का जार, जिसमें सबसे पहले हम डालेंगे आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 हरी मिर्च, उसके सिवा हम डालेंगे 10-12 लहसुन की कलियां, और साथ में हम डाल देंगे बड़ा बड़ा कटा हुआ 2 प्याज, और इन सभी चीजों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्सी के जार में डाल के क्रश। ग्रेवी जो है हमारी पिस चुकी है, अदरक मिर्ची लहसुन का पेस्ट, इसको अब हमने ये जो पकने के लिए पापड़ी छोड़ी हुई है इसमें ये जो सारा पेस्ट है उसको हम डाल देंगे और कर लेंगे अच्छे से मिक्स। सब्जी जो है हमने मिक्स कर ली है अच्छे से लहसुन अदरक और मिर्ची के पेस्ट के साथ, अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर, साथ ही में हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से इसको फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स करके हम इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। अब हम जिस जार में हमने अदरक मिर्ची लहसुन पीसा था उसी में हम डाल देंगे 2 बड़े कटे हुए टमाटर, और इनका भी हम कर लेंगे अच्छे से बारीक पेस्ट। टमाटर जो है हमारे पिस चुके हैं, अब हमारी ये जो सब्जी पक रही है, अंत में हम ये जो टोमेटो की प्यूरी है वो सारी इसमें डाल देंगे, अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और पकने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए ढककर। सब्जी जो है हमारी पक चुकी है, टोमेटो की ग्रेवी जो है सब्जी में अच्छे से मिक्स हो चुकी है। लास्ट में हम डालेंगे इसमें सिर्फ 1/2 चम्मच जितना गरम मसाला, अच्छे से कर लेंगे इसको हम मिक्स, और पकने के लिए ढककर छोड़ेंगे सिर्फ 1/2 मिनट के लिए, ताकि गरम मसाले की स्मेल जो है वो पूरी सब्जी में अच्छी तरह से मिल जाए। सब्जी हमारी पक के रेडी है, अब हम करेंगे इसका प्लेटिंग। सूरती पापड़ी की सब्जी को दोस्तों मैंने आपके सामने गार्निश करके परोसा है अनियन रिंग और मिर्ची के साथ। बहुत ही अच्छी सब्जी है दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी।